स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 4 मदुरा श्लोकाय का व्याकरण भाग करवाने जा रही हूँ। आज आपको जो शब्द रूप करवाए जाएंगे वो लता शब्द रूप करवाया जाएगा जो अकारांत स्त्रीलिंग में आया हुआ है। इसका उच्चारण पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द रूपों से अलग है। प्रथमा व्यक्ति में है लता लते लता है, देखो इसमें विसर्ग नहीं है, लता लते लता। द्वितीया में है लताम लते लता। तृतीया में है लतया लताभ्याम लताभी। चतुर्थी में है लताए लताभ्याम लताभ्या। पंचमी में है लताया लताभ्याम लताभ्या। षष्ठी में है लताया लतयो लतानाम। सप्तमी में है लतायाम लतयो लतासु। यहाँ उसमें पुल्लिंग में देखो शु आता है और इसमें है सु लतासु, और इसके संबोधन में है हे लते हे लते हे लता। अब ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, जो भरने हैं मैंने यहाँ पेज पर लिखे हुए हैं। ये आपके लता के अनुसार ही चलेंगे, जैसे लता के हैं शिक्षिका प्रथम व्यक्ति में लता लते लता, इसी तरह से शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका। मार्गदर्शिका द्वितीय व्यक्ति में मार्गदर्शिका मार्गदर्शिके मार्गदर्शिका है। आजीविका में तृतीय व्यक्ति आजीविकया आजीविकाभ्याम आजीविका भी। धरा चतुर्थी धरायी धराभ्याम धराभ्या। विमान चालिका पंचमी व्यक्ति विमान चालिकाया विमान चालिकाभ्याम विमान चालिकाभ्यः। मधुरा षष्ठी मधुरायाय मधुरयो मधुराणाम। ये रा यहाँ पर आया हुआ है इसलिए आपका मधुराणाम में ना की जगह ना का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा सप्तम व्यक्ति श्रद्धायाम श्रद्धयो श्रद्धासु। और महिला संबोधनम हे महिले हे महिले हे महिला। ये लता के अनुसार ही इन शब्दों के भी शब्द रूप आपके सामने आए हुए हैं, इनको आपको अपने किताब में लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंग शब्दानाम प्रयोगम कुरु, या जो आपके जो वाक्य दिए गए इनमें पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है इनकी जगह आपको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, शब्दों का प्रयोग करना है। चटकः पुलिंग चटका स्त्रीलिंग चटका आकाशे उत्पत्ति। शिष्या विद्यालयम गच्छति विद्यालयम पुलिंग है, यहाँ पर पाठशालाम गच्छति। इसके बाद है श्री कृष्ण गोपै सह क्रीडति, तीसरी व्यक्ति है ना बहुवचन में तो गोपिका भी सह क्रीडति। इसके बाद मालाकार हारेभ्या, ये भी बहुवचन का है, हार का आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा मालाभ्या मालाभ्या पुष्पाणी आनयति। इसके बाद पत्राणि वृक्षात पतन्ति, यहाँ पर है पत्राणि लतायाः पतन्ति, क्योंकि लता दिया गया ना यहाँ पर, ये जो शब्द दिए गए इन्हीं का हमें अकॉर्डिंग टू विभक्ति प्रयोग करना है। एतत्तु मम जनकस्य पुस्तकम् अस्ति, यह अम्बाया दिया गया ना अम्बा, तो इस षष्ठी व्यक्ति में अम्बायाः। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ पर देखो वाटिका दिया गया ना, तो सप्तम व्यक्ति के अनुसार वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पर हे राम है, यहाँ सीता दिया गया है, सीते त्वं कुत्रासि, तो इस तरह से आपका स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है कारक के अनुसार विभक्ति के अनुसार। और ये आपको समझना और ये आपको याद करना है, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।